साथियों, आज सुबह से काफी बात हो चुकी है, समस्या से आप लोग सब वाकिफ हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने आपको बताया, शिक्षा की बहुत विकट समस्या है। पहली बात तो सरकारी, जैसे ऋचा ने भी बताया कि पूरी शिक्षा का निजीकरण की तरफ सरकार हमको ले जाना चाहती है। सरकारी स्कूलों को बिल्कुल ऑर्फेंड की तरह छोड़ दिया गया, उनकी हालत खराब है, टीचर्स नहीं होते, कई बार रद्दी टीचर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कमरे नहीं होते, और ऊपर से करिकुलम भी, ये जो म्युनिसिपल स्कूल होते हैं, सेंट्रल स्कूल से तो फिर भी व्यवस्था ठीक है, क्योंकि वहां पर सरकारी अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बाकी म्युनिसिपल स्कूल है वहां पर तो कई बार करिकुलम भी बहुत खराब होता है, और अब तो और भी खराब करिकुलम आने वाला है धीरे धीरे, जब से करिकुलम का फर्वाकरण हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि गुजरात में और राजस्थान, ये हरियाणा में दीनानाथ बत्रा साहब की किताबें प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल सत्यानुसी, जिसमें कि तरह तरह के अंधविश्वास फैलाने की कोशिश भगवाकरण के नाम पर करी जा रही है। 2005 में एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ कि एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया एनसीईआरटी के द्वारा, उसका एक कमेटी बनाई थी प्रोफेसर यशपाल के चेयरमैनशिप में, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके एक बहुत अच्छा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया स्कूलों के लिए, जो कि सीबीएसई स्कूल में तो शायद लागू कर दिया गया, लेकिन जो स्टेट्स के म्युनिसिपल स्कूल वगैरह होते हैं उनमें ज्यादातर लागू नहीं किया गया है। और अब जैसे मैंने बोला, उसको और खराब करने की कोशिश, क्योंकि इस तरह के अगर आप टेक्स्टबुक लाएंगे जिससे कि अंधविश्वास पहले से भगवाकरण की वजह से, तब तो फिर हमारे बच्चों का बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। तो ये सारी समस्या है। अब इसके समाधान भी हम लोग जानते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों का सबसे पहली बात तो पैसा सरकार को ज्यादा देना चाहिए, जिससे कि इतने स्कूल बन सके और इतने अच्छे स्कूल बन सके, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, टीचर्स ठीक हो सके, जिसमें कि सारे बच्चों को अपना मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन, जो कि आज तो सिर्फ 8वीं क्लास तक है, लेकिन कायदे से 12वीं क्लास तक होना चाहिए। उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया, बहुत दूरगामी जजमेंट आया है, जिसका जिक्र आज जरूर हुआ होगा। इसने बोला है कि जब तक आप सरकारी अफसरों के बच्चों को वहां नहीं जाने के लिए मजबूर करेंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की हालत सुधरेगी नहीं, क्योंकि जब तक जो लोग स्कूलों का नियंत्रण करते हैं, जो उसके मैनेजमेंट के ऊपर उनका कंट्रोल है, अगर उनको नहीं लगता कि उनका कोई देख है, तब तक वो सुधारते हैं। लेकिन एक अभियान जो चलाया जा सकता है सरकारी स्कूलों को सुधारने का, तो हम लोग सिटीजन के तौर पर चला सकते हैं कि हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक और सिटीज में एरिया बाय एरिया हम लोग ये तय करें कि हम उन सरकारी स्कूलों का पब्लिक हियरिंग के द्वारा, ये टेक्निक जो है मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राइट टू इंफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करी थी, कि वहां पर अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, कितनी बेईमानी हो रही है, क्या विषमता है वगैरह वगैरह, उसके उसको पब्लिक हियरिंग के द्वारा उजागर किया और उससे काफी बदलाव आता है। तो अगर हम लोग कुछ सरकारी स्कूलों को चिन्हित करके जो जो वाकई बहुत खराब है वहां पर पब्लिक हियरिंग करते हैं बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर, मीडिया को बुलाकर कुछ अच्छे लोगों को उससे उसकी दूरी पर बैठा कर, और ये उजागर करते हैं कि यहाँ के स्कूलों की हालत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स कितने हैं वगैरह वगैरह, करिकुलम कैसा है, और साथ में ये भी कि सरकारी अफसर जो है उनके बच्चे कितनों के बच्चे
बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे एक आंदोलन खड़ा हो सकता है जो कि इन स्कूलों को ठीक करने के लिए साथ में हम लोग ये भी इसका भी पूरा प्रचार करें अलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट का और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़े लेकिन उसके लिए जरूरी है कि साथ साथ हम इसका पब्लिक हियरिंग के द्वारा इसको उजागर करते रहे कि स्कूलों में क्या कमी है सरकारी स्कूलों में कितनी कमी है और कितने सरकारी अफसरों के बच्चे हैं तो ये एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का हायर एजुकेशन में भी हम ये देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल निजीकरण की तरफ जा रही है जैसे निशा ने बताया वो चाहती है कि सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे 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 खत्म हो जाए और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बने प्रोफेशनल एजुकेशन में भी सरकार की मंशा यही है कि धीरे धीरे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ते जाए और सरकार के जहां के कहां है या फिर और भी सिकुड़ते जाए हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई एजुकेशन मौलिक अधिकार है ये ठीक है कि चाहे स्कूल तक ही हो लेकिन हायर एजुकेशन भी सरकार का दायित्व है कि हिंदुस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज बने जिनका स्तर अच्छा हो जहाँ पे प्रॉपर टीचर्स हो टीचर्स का सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से होता हो आज तरह तरह की प्रॉब्लम आ गई है प्रोफेशनल एजुकेशन में तो सिलेक्शन में खूब बेईमानी होने लगी व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ इस तरह के अगर आप देखें तो यूपी और जगह जगह हर जगह हर जगह तो शायद नहीं होगा लेकिन बहुत सारी जगह इस तरह के घोटाले चल रहे हैं एडमिशन में सरकारी नौकरियों में बिल्कुल वही हो रहा है मतलब आजकल तो यूपी में तो कोई सरकारी नौकरी पाना बगैर रिश्वत दिए करीब करीब इम्पॉसिबल हो गया है पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें इतना भ्रष्टाचार फैल गया है और उनके जो एग्जाम्स है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती तो उसके लिए तो हम लोगों को अभियान भी चलाना होगा कि पहली बात तो जो इम्तहान जो कंडक्ट करते हैं उसमें पारदर्शिता है तरह तरह की पारदर्शिता लाने की हमको कोशिश उसके लिए अभियान चलाना होगा दूसरी बात की जो पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया है उस भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए हम लोगों को यह अभियान चलाने की जरूरत है कि वहां के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिलेक्शन है वो भी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और सिर्फ सरकार उनको उनका चयन ना करे एक ब्रॉड बेस सिलेक्शन कमेटी हो जो बिल्कुल पारदर्शिता से उन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका चयन करे और वो अपना सारा काम जो सिलेक्शन वगैरह का काम है सरकारी नौकरियों का या फिर ये एडमिशन का बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करें एक प्रॉब्लम जो इसका संकेत कई लोगों ने दिया वो मैंने भी करा था एक पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल हुई थी कई साल पहले करीब अब तो 12-13-14 साल हो गए जिसमें यूजीसीएल की तरफ से हम लोगों ने ये बोला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम का ऑप्शन दिया गया है लेकिन और 1 लाख के करीब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकिन फिर भी और हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में तो एक भी टेक्स्ट बुक हिंदी में नहीं उपलब्ध थी पॉलिटिकल साइंस में 10% टेक्स्ट बुक हिंदी में उपलब्ध थी और हिस्ट्री में 20% तो हम लोग ने हाईकोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी थी हाईकोर्ट ने कई आदेश भी दिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी इसका नाम ही है इसे हिंदी की किताबें उपलब्ध कराने के लिए वो पूरा डिपार्टमेंट है 40 साल से वो डिपार्टमेंट चल रहा है लेकिन फिर भी हालत थी हाईकोर्ट ने कई आदेश दिए लेकिन उसके बाद जो पीयूसीएल वाले लोग उस केस से डील कर रहे थे किसी वजह से उनका संपर्क टूट गया मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ अभी मैं नंदिता जी से पूछ रहा था कि भाई आज क्या हालत है वो कह रही थी आज भी बहुत बुरी हालत है ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही दुखद
चीज है कि यूनिवर्सिटी जिसमें हिंदी मीडियम अलाउड है होना ही चाहिए, दिल्ली जैसी जगह में तो बिल्कुल हिंदी मीडियम होना चाहिए। 1 लाख स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के और आपके पास रिसोर्स नहीं, बल्कि तो इसको फिर से हम लोगों को रिवाइव करना पड़ेगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसमें कि हम लोग अगर साथ में मिलकर खड़े होकर एक सशक्त आंदोलन चलाए तो बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा आंदोलन इस पर शिक्षा और रोजगार के सवाल पर हिंदुस्तान में खड़ा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है यहाँ देखते हुए कि किस तरह से पूरे देश के लोग आए हैं, हर प्रांत से लोग आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होगा और देश की शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था बदलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।